का माहौल चकाचक होने वाला है, भोकाल मचने वाला है। कहा है कि आज यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो आप सबकी तालियों के बीच सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके गाने तो हमारे शो पे सालों से बजते आ रहे हैं लेकिन वो आज तक नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम भोजपुरी सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह। ओहो, अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजे ला बाजा जबी, सनके ला भोजपुरी आ राजा। ओहो, क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, गर्दा मचाई दे आप, जोरदार तालियां पवन जी के लिए। थैंक यू, प्रणाम। वाह, आपने भी जो गर्दा मचाया है एकदम से निकल के ऑडियंस में से, वाह। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पवन जी, ये गाना तो आपका मतलब इतना वर्ल्ड फेमस है, हमारे शो में इतनी बार हम लोग बजा चुके हैं गाना, पर आपके दर्शन आज पहली बार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू पवन जी। ये लिपस्टिक वाला आइडिया किसको देख के आया था? मेहरारू को देख के आया था कि गर्लफ्रेंड को देख के आया था? ये गाना हम 13 साल पहले गाए थे। अच्छा जी, तो उस टाइम कैसेट आता था। हाँ, कैसेट का दौर था, अब तो डिजिटल जमाना हो गया है। तो मेरी न शुरू से आदत थी निकाल की कैसेट सुनने का, कौन क्या गा रहा है जी। उसमें से हमको एक चीज समझ में आया सुन के गाना किसी का, मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा डिजिटल जमाने का गाना बनाते हैं जी। आई गाना हम के नहीं के ख्याल आई कि हम ये गाना केहू के देख के बनाई या गाई। बहुत ही मजेदार गाना। थैंक यू। अच्छा, लॉलीपॉप गाने ने इंडिया में तो धूम मचाई है, विदेशों के क्लबों में बजता है ये गाना। Really? हाँ, पवन जी आप कभी गए हैं ऐसे विदेशी किसी क्लब में गए और आप ही का गाना बज रहा हो और डीजे बोलो कौन पवन सिंह इन द हाउस, ऐसे हुआ कभी? देश विदेश तो आदमी जाता है तो मस्ती होता ही है जी, और आप लोगों के ही आशीर्वाद से ये गाना कहाँ नहीं बज रहा है। देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी का गाना विदेश में धूम मचा रहा है। वाह, वो देखिए आप जापान से हो, आपके बड़े सारे फैंस आए हैं। थैंक यू। हैं तो मैसेज मेरे ये, पर मैंने आपकी तरफ कन्वर्ट कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे कुछ पूछना है अर्चना जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना कुछ इंग्लिश में। चलो आज आपका भी टेस्ट होएगा, इंग्लिश बोल सकते हो कि नहीं? हाँ, कि हम पे ही बोल बोल के रोब डाल रहे हो। कुछ पूछो उनसे। तेरे से तेरे के साथ हिंदी भी बोलना भूल गई तेरे साथ। टाइम पास करो, इंग्लिश बोलो इंग्लिश। So you're visiting India as a tourist or? Yes, to be here with you. Oh, thank you so much. Uh-huh. And congratulations on the birth of your daughter. Thank you so much. Have you seen this show in Japan or anywhere else? YouTube. On YouTube. Oh, wow. Thank you. अच्छा ये पूछो ना, कोट कहाँ से लिया इन्होंने? This naughty gentleman wants to know where you bought this coat from. It's my own. If you have your tailor send me your measurements, I'll make one for you. Oh, thank you so much. But thank you so much. You all are looking beautiful, especially you wearing Indian attire. Yeah, Indian. Wow, how did you decide to wear an Indian sari? I chose it for her. Oh. Why you chose it for her? I mean, you are... We're business partners. Business partners yes. Only. Oh, not life partner. No, no. I am not as fortunate as you yet. You are not married yet? No. Oh, happy man of the earth. Please have a seat. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you. अच्छा पवन सिंह के लिए एक बार तो तालियां इस बात के लिए बनती हैं कि जो लोग पसीतों पसीतों में नाचते हैं क्लब में जाके, अंग्रेजों को लॉलीपॉप पे नाचना सिखा दिया। वाओ पवन जी, हम तो कहते हैं एक लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो अंग्रेजों के लिए। पवन जी बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी फिल्मों के टाइटल होते हैं जैसे गदर, वांटेड, शूल, सत्या, ये पवन जी ने भोजपुरी में फिल्में की हैं। तो पवन जी हम क्या समझे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं क्या, सलमान खान या सनी देओल? थोड़े थोड़े लगते हैं आप सनी देओल एटीट्यूड से। ऐसे मुझे लग रहा है एकदम से उठ के बोलेंगे तू लगा लू जब लिपस्टिक ले ला आला डिस्ट्रिक्ट,
जिड़ा टॉप लागे लू कमरिया ओए कमरिया पवन जी एक बार आपके स्टाइल में गदर का कोई डायलॉग हो जाए, आपके फैंस ऐसा सुनना चाहते हैं। गदर में मैंने एक डायलॉग बोला था कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। वाह, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे और जो मुर्दों को नहीं जला सकते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है पवन जी। याद आया मुझे आपके साथ तो आज भी हमारे भोजपुरी के काफी स्टार्स आने वाले थे, वो कहाँ रह गए सब? मैं तो अपने कार से आया हूँ। अच्छा जी, वो और बाकी स्टार जो हैं वो उनकी थ्रू थोड़ा गाड़ी जो है ना वो यूपी बिहार में बहुत मशहूर है। अच्छा जी, उस गाड़ी का नाम है रिक्शा। अच्छा, तो रिक्शा में आ रहे हैं सब? तो रिक्शा में ही आएंगे। तो जरा पता करेंगे कहाँ रह गए सब लोग? हाँ, पता किया जाए। एक बार निरहुआ आम्रपाली, काजल राघवानी और निधि झा के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरहुआ भाई, सर, सर पिछली बार जब आप आए थे दो हिरण को साथ लाए थे, इस बार तीन हिरण को साथ लाए हो। पीछे दो सीटें और एक आगे बैठी रही। सवारी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका दबदबा, ये तो ये डायलॉग भी बोल सकते कि रिक्शे में तो हम सबके बाप नाम है निरहुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। मिलजुल के बैठ लेते हैं, क्या है? एक और कुर्सी मिल जाती तो मजा आता थोड़ा। हाँ, एक और कुर्सी लाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। इसको हटा के नीचे ही बैठ जाते हैं। नहीं, इनका नीचे बैठने वाला किस्सा अभी हुआ। अच्छा, क्या? अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा। अच्छा अच्छा, ये लगा लेते हैं फिर। अब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। जी, तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा, अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा, तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। मतलब क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। मतलब ऑफिसर, एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है, पर एक दो वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो नो, वेयर इज नो, डोंट टेल। तो बोला सर ही इज सुपर स्टार, लॉलीपॉप सिंगर। लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड। वो भी जानता था इनको। अच्छा, पर वो गाना जानता था। बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू, नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना वो कुछ कहा था, डाउन टू अर्थ, नीचे। लेकिन आपको मैं हमेशा YouTube पे देखते रहता हूँ, अपने मोबाइल पे। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक फिल्म मैंने देखा था, उस फिल्म का नाम बोल बच्चन। बोल बच्चन, अच्छा। मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। इनको लिख के दे दो, इनकी जो भी तारीफ है ना, इनको इनको ना बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। क्योंकि पड़ कपिल के शो पर आने के बाद मुझे तारीफ सुनने की आदत बिल्कुल छूट गई। बिल्कुल छूट गई है। तो थैंक यू वेरी मच पवन, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने कोई बोल बच्चन नहीं देखी, इनको मैंने ही बोला था कि जाके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। ये क्रेडिट भी तू ही ले ले है? अरे नहीं नहीं, फिल्म्स लाइक राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, इतना सारा वेरिएशंस, यू आर सुपर्ब, यू आर वेरी नाइस। सुन ले कपिल। निरहुआ भैया, अर्चना जी का सवाल था, बोलती निरहुआ जब भी आते रिक्शा पे क्यों आते हैं? रिक्शा से तो ऐसा नाता जुड़ गया है कि अब मैं क्या बताऊं। तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहां प्रचार में जाना था। अच्छा जी। कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग, तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा, तो किसी ने पूछा अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ? हाँ। तो
फोन करो, हमको फोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा। अच्छा ये तो आपने तीनों हीरोइनों को बिठा लिया रिक्शा पे जी। तो सही है, अगर होती ना अर्चना जी नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पिछली बार ये टांगा पे बैठी तो घोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया और घोड़ा हो गया हैरान, बोलता पीछे बैठा कौन है, ऐसे टांगे उठ के उसने पीछे देखा अर्चना, कहता ओ वाओ। अच्छा आम्रपाली तो आप सब मिले हुए हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। अमरपाली आज तक आपने मेरे ख्याल से 25 फिल्में की निरहुआ के साथ। नहीं आप बढ़ गई, और बढ़ गई है, 32 हो चुकी है इतने टाइम में। पिछली बार जब आए थे तब से 7 बढ़ गई, 7 और बढ़ गई है। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि निरहुआ इंडस्ट्री में आई? 32 फिल्में कर दी, वाओ। पर एक फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है अमरपाली? ऑलमोस्ट 30 डेज। अच्छा वाह, इतना फास्ट काम होता है जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपकी कमर मतलब 19 इंच की ही होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है हीरोइंस पर। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं है। हमको जो खाना है खाएंगे। और हमारी लाइक हमारे जो फिगर है यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोइंस है, ये तो पतली है, अभी ये भी पतली हो गई है, बट फिर भी हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। सबसे हाईलाइट तो ये है, काजल जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी और काजल जी शूटिंग में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने मुझे एक डब्बा ला के दिया। अच्छा। और बोला कि मेरी माता जी ने आपके लिए दिया है। तो मैं बोला अरे क्या बात है, थैंक यू। उसमें घी था। अच्छा। अब मैं जो है चावल में भी थोड़ा डाल लेता था, दाल में भी, सब्जी में भी, और शूटिंग पे भी लेके गया, वहां भी खा रहा था। अच्छा। तो डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे, वो बोले भाई आप इतना घी क्यों खाते हो? हाँ। मैं बोला यार इतना प्यार से काजल जी ने दिया, उनकी मम्मी ने दिया है, तो खा रहा हूँ। बोले अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो साजिश। मैं बोला क्या? अरे मैंने उसको बोला था पतली होने के लिए, वो खुद तो पतली नहीं हो रही, तुमको मोटा कर रही है। अच्छा काजल निधि हमारे शो पे पहली बार आई हैं। लास्ट टाइम जब खेसारी और निरहुआ भैया आए थे और आमरपाली भी आई थी तो साथ में रानी आई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे नाम है तो हमारे स्क्रीन नेम है, हमारे असली नाम कुछ और हैं। काजल और निधि आप दोनों के नाम ओरिजिनल हैं कि स्क्रीन नेम है ये? मेरे ओरिजिनल है, बट नॉर्मली मेरे जो लोग हैं, मेरा दूसरा परिवार, मेरा ऑडियंस लुलिया के नाम से जाता है। इनका एक गाना मेरे साथ हिट हुआ था। अच्छा जी। लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले। अच्छा। तो निधि झा जब वो गाना मेरे साथ की, वो गाना रिलीज हुआ, तो इनका नाम ही लुलिया हो गया। लुलिया। अच्छा। पड़िया जी। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। यही नसीब नसीब की बात होती है। भोजपुरी में मेरा एक गाना है जो 300 मिलियन प्लस है। अच्छा जी। मैं एक फिल्म करने गया था, जिस फिल्म का नाम भोजपुरिया राजा। अच्छा जी। सेट पे गया तो देखा कि क्या हो रहा है, शाम का 4 बज गया, डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर पब्लिक हटा रहा है, भीड़ हटा रहा है। वो डर से मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, उसी दिन मैंने फोन किया एक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन मैनेजर और एक राइटर। रात में स्टोरी लिखा जा रहा था, दिन में शूट हो रहा था। अच्छा ऐसे भी होता है, वाह। उस स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड हुई थी। अच्छा। उसके बाद इनकी गाना जो मेरे साथ उस फिल्म में फिल्माया गया, छलका था हमरो जवानिया है राजा, तब से ये एकदम बूम मचा रही है। कैसा है आप? बहुत बढ़िया है। अपना बिरादरी से मिल रहे हैं आज यार, इतना खुशी हो रहा है। आपका कब से इंतजार कर रहे हैं पता है आपको? कब से? बहुत लेट कर दिया आप, बहुत इंतजार किए। अब नहीं करूंगा। अरे बैठे बैठे, आप गड़े क्यों, आप बैठे। अरे वाह यार। निरहुआ जी, पवन सिंह जी, पाए लागू। प्रणाम प्रणाम। निधि जी, जी आप तो हॉट लागू। काजल जी, हाँ जी, आपके तो गले लागू। अमरपाली जी, आपको GST लागू। भरना पड़ रहा है। GST लागू क्या होता है?
अरे उनका गाना है यार जीएसटी लगा के, है कि नहीं? फिर तो जीएसटी लागू होगा ना उनपे, और क्या होगा? बस एक बात बताइए, गाने के लिए आप पैसे लिए थे या जीएसटी नंबर लिए थे? जीएसटी। लेकिन कमाल का गाना था, 118% सुपर हिट। अबे 100% होता है तो 18% जीएसटी लगेगा ना। क्या बात है, क्या बात है। यार निरहुआ जी, I'm a fan यार, इतना मजा आता है आपको देख के। आपका सारा फिल्म देखा है हमने, अपना निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल ससुराल। कप्पू शर्मा, आपका सोमो ऐसा कोई छोटा ब्रेक व्रेक आएगा ना, इनको बाथरूम मत जाने देना, तुरंत फिल्म बना देंगे, निरहुआ चलल बाथरूम। चलो बाथरूम बोलेंगे सर तो फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा। पूरा का पूरा फिल्म का ट्रांसलेशन अगर भोजपुरी में कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरहुआ चलल हगल। वैसे सर, ज्यादातर फिल्में आप अम्रपाली जी के साथ किए हैं ना? जी जी जी। ये तो अच्छा बात है, लेकिन मतलब फिल्म साइन करते हैं तो आप ऐसा स्क्रिप्ट देखते हैं कि अम्रपाली जी को देख के साइन कर देते हैं? मैं तो अम्रपाली जी को ही देख के साइन कर लेता हूँ। ये अच्छा बात है, स्क्रिप्ट मैं देखती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपने गलत काम किया एक। क्या? क्या फिल्म में ज्यादा आपने इनके साथ किया, लेकिन इतना हिट गाना आपने पवन सिंह जी के साथ दे दिया। राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया, बात तो पिया की हो रही थी ना। अच्छा, वो देखिए, तू क्यों झगड़ा करवाया था दोनों के बीच? तो क्या हम फेरे करवाएं? हम पंडित हैं क्या? लेकिन यार मजा आ रहा है आप सभी को देख के। काजल जी, हाँ जी, आपके भी सारे गाने देखे हमने, वाह बहुत अच्छा लगता है। आपसे भी एक सवाल पूछना था। हाँ जी। आपका भी एक बीच में गाना आया था, ये आंसू छलकते हमने सुना है। हाँ। ठीक है, ऐसा पानी छलकता है सुना। हाँ जी। है ये जवानी कैसे छलकता है? जवानी यही बताएंगे कैसे छलकता है। आप इन्होंने गाना बनवाया, छलका तो हमरो जवानिया है राजा, छलका तो हमरो जवानी है राजा। इसी के बारे में एक्चुअली एक और सवाल था हमारा, आप लोगों के जो गाने होते हैं सारे हिस्टोरिकल होते हैं क्या? क्यों? हर गाने में राजा कहाँ से आता है यार? चलकर तमानी जवानी और राजा, चोलिया का हुक राजा, राजा 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 कलेजा में समाजा। सारे गाने ऐतिहासिक, मतलब हिस्ट्री में इतने राजा नहीं हुए जिनके गाने में घुसे हुए हैं। अरे तो आज तेरी धोती में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, जाना यहाँ से। कप्पू शर्मा, ऐसे नहीं यार, बिहारी बाबू जो होते हैं ना, हाँ, आते हैं अर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। जी, बिहार के लाला। निधि जी, जी, कपड़े खुद सिलती हैं या सिलवाती हैं? दर्जी से। थोड़ी देर पहले हमें प्यार हो गया था रानी चटर्जी से। पवन सिंह जी, लेकिन आपका भी सारा फिल्म में धड़ाधड़ 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 देखे हम, एक ही आदमी है यार, फिल्म पे पेले जा रहे हैं। टोटल कितना फिल्म पेल दिए सर आप? तुझे कुछ पता भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यू हैव नो आइडिया, नो आइडिया, आई लव भोजपुरी। हम तो सारा फिल्म देखे, हमारे बच्चे हैं सर, 11 बच्चे हैं हमारे, ऊपर वाले की दुआ से और अपनी मेहनत से आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हमारा तो एकदम छोटा वाला है ना, बड़ा होके निरहुआ बनेगा। कैसे? नहीं नहीं, हम उसको क्या है, मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं, नहीं बैठता है, गाड़ी में बैठाते हैं, नहीं बैठता, रिक्शा देखता है, कूद के बैठता है। दूसरा नंबर का जो हमारा बेटा है वो पवन सिंह जी बनेगा। वो कैसे? क्यों? नहीं, वो मिठाई देते हैं नहीं खाता है, चॉकलेट देते नहीं खाता, लॉलीपॉप देखा है। और तीसरा जो हमारा बेटा है एक, और वो रवि किशन जी बनेगा। कैसे? वो क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी काफी झंडवा है, फिर भी उसको इतने नटखट हैं सारे बच्चे हमारे। लेकिन हम डिसाइड किए हैं सर, आप लोगों के साथ एक फिल्म बनाएंगे, हमें मौका दीजिए बस। कौन हीरोइन करेगी तेरी फिल्म? हीरोइन हम, हीरोइन कौन होगी हमारी फिल्म की? वाह वाह, आज तो माहौल एकदम ललन टॉप है, ललन टॉप। हमको बहुत ही खुशी हुई तोरा लोग से मिलके। वाह, कैसन वा? एकदम ठीक है वा। अरे वाह, तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो हर पोपो का ही निकल रहा है।
और थोड़ा रिस्पेक्ट से हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन है। वाह, ये दोनों का सही है, जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह बबुआ, सामने तो आना। तनी हैने आवा, हैने आवा, हैने आवा, तनी हैने आवा, हैने आवा। काहे तरह टक टक देख रहे क्या, पता रहे बबुआ, हमें हल्के में मत लो, ऐसा ठुमका मारेंगे ना कि यूपी बिहार में गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा रही है, कल ऐसे करके ऐसे जर्दा उड़ा रही थी। अब मेरी बात सुन, ये सब क्या है, वो जो तू सर पे खेतों में मटका रख के कौवा उड़ाती थी उसका क्या? You quit that job. कपूर शर्मा, जिस दिन हमारी भोजपुरी फिल्म रिलीज होगा ना, उस दिन काफी लोगों के होश उड़ेंगे। वैसे जीजा जी, हमारे मूड का तो छींचा लेदर होएगा वा। एक ठो पान लगाइए ना आप। छींचा लेदर? पान लगाएंगे तुम्हारे कान के नीचे लगा दें। हम प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, पान वाले नहीं है। अब बताइए, खेसारी लाल की खिसियानी मिली? हमने सर इनका प्ले देखा था जाके। अच्छा? ये प्ले दिया और बाती नाम के नाटक में ये बाती बनी हुई थी। सच में, और फिर ऑडियंस ने ससुर का नाती कहकर जो पीटा है वो भी देखा हमने। हमें तो ससुर का नाती और इन्हें बिना सून का हाथी कहा। हम है हाथी तो तुम्हारे खेतों में आग क्यों लग रही है यार? ओए, तुम लोग अपना खेत लो और तुम अपना हाथी लो और चलो बाहर गन्ने रखे चूसो जाके, चलो। अरे ऐसे कैसे हम चले जाए, अभी तो हमें स्टोरी डिस्कस करनी है। जीजा जी, स्टोरी बताइए। अरे तुम्हारे साथ हम यार कोई पिकनिक पे ना जाएं, फिल्म बनाएंगे तुम्हारे साथ हम। जीजा जी भूलिए मत, पैसे हमारे लग रहे हैं। अच्छा, पैसा लगा रही है, फाइनेंस कर। ठीक है ठीक है, फिर बनाते हैं, फिर ऐसा कोई बात नहीं, बना लेंगे। तो सर हम आपको फिल्म नहीं, फिल्म का एक सीन सुनाते हैं। शुरुआत होता है फिल्म का, हीरो हीरोइन के घर आता है, हीरो सर आप हैं, ओके, आप एंटर करते हैं हीरोइन का घर, यानी कि इनके घर पे आप पहुंचते हैं। अच्छा। आते हैं, आप लड़की देखने आए हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। एक सेकंड, लेकिन क्या हमारी तो बात नहीं हुई। हाँ तो क्यों होगी, लड़की पसंद नहीं आई उनको, नहीं बात करनी, चले गए वो। ये क्या बात हुई, खुद यहाँ 11-11 करके बैठे हैं और यहाँ पे हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दे रहे हैं, कैसे प्रोड्यूसर है आप? कुछ तो प्यार मोहब्बत, कुछ तो। ठीक है, प्यार मोहब्बत का सीन कर लेते हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा सीन भी रेडी है। तो हीरो जो है आप है, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, रुक गया है जरा, मोटरसाइकिल पे आपका एंट्री हुआ है, सामने ये खड़ी है, आपकी नजर इसकी नजर से मिलती है, आप इसे देखते हैं, तुरंत नाक बंद करते निकल जाते हैं। तुम भैंसिया का गोबर उठा के खड़ी हो यार, जाएगा ना आदमी? आप हमसे गोबर उठवा रहे हैं। तो भैंसिया तो तुम उठा नहीं सकती, गोबर ही उठाओ। हम तो हीरोइन है, किसी अच्छी लोकेशन वाला सीन बताइए, अच्छा से लोकेशन। लोकेशन चाहिए? हाँ चलो ठीक है, लीजिए लोकेशन देते हैं। यू आर इन फॉरेन। फॉरेन में तुम पढ़ाई करने हीरोइन जो है गई हुई है। ठीक है, वहाँ पे अब फॉरेन में हीरोइन का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। कितना पढ़ेंगे तो हर साल में फेल हो जाती हो तो चले यार, पढ़ाई पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, फोन से निकलो बाहर, पढ़ाई पे ध्यान दो, गलती तुम्हारा पास नहीं हो रही तो पढ़ाई चलेगा ही ना। अरे लेकिन हमारा रोमांस का क्या हुआ, हमारा हीरो कहाँ है? हीरो तो यहाँ पर ही है, वो नहीं आ रहा फॉरेन, उसका पास पासपोर्ट ही नहीं है। अरे तो फिर हमें कहाँ फॉरेन भेजे, हमें अब इंडिया में रहना। अब दोबारा सीन सुनाइए। ठीक है चलो यार, तुम्हारा जो पढ़ाई है कंप्लीट, कंप्लीट तो होने नहीं वाला है कि तुमसे हो नहीं रहा है, तुम पढ़ाई छोड़ छाड़ के आ गई इंडिया। हीरो यहाँ पे है। ओके, अब देखो इत्तफाक का बात, हीरो को नौकरी लग गया, ये चले गए फॉरेन। लेकिन अभी हीरो के पास पासपोर्ट नहीं है, कैसे चला गया? अब बन गया यार, पॉलिटिकल कनेक्शन है उनका, बन गया यार पासपोर्ट। आप बताते हैं बना कैसे? ये जो है ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पास मनोज तिवारी जी के पास गई है, बोले कि पासपोर्ट बनाओ, मनोज तिवारी जी बोले नहीं बनेगा। फिर ये गए रवि किशन जी के पास, रवि किशन जी बोले बाबू अगर मनोज तिवारी नहीं बना पा रहे हैं फिर तो मैं जान लड़ाऊंगा, मैं तो बना के अब दूंगा। ये सही, तो तत्काल में पासपोर्ट बनाए रवि किशन और ये गए फॉरेन। तो फिर हमें भी फॉरेन भेजो। अभी तो तुम्हें फॉरेन से लाए थे यार,
फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो। हम प्रोड्यूसर हैं यार, ट्रैवल एजेंट थोड़ी ना यार, क्या काम पे लगा दिए हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन नहीं जाएंगे तो फिर हमारा रोमांस कैसे होगा, हम प्यार कैसे करेंगे? हीरो का रोमांस हो गया यहाँ पर, इन्हें पवन सिंह जी मिले, इन दोनों में प्यार हो गया। एक मिनट, एक का पवन जी के साथ प्यार कैसे हो सकता है? सरप्राइज। हम दोस्ताना बना रहे हैं, हमें हीरोइन का जरूरत ही नहीं है। दोस्ताना, मर्दा का गर्दा, मर्दा का गर्दा, हमारा क्या होगा? इसका एक सर, एक हमें एक मुहूर्त शॉट करना पड़ेगा फिल्म का। प्लीज प्लीज सर, हमारा मुहूर्त शॉट करना है हमें फिल्म का। तो भोजपुरी में आप दोस्ताना बनाएंगे? दोस्ताना बना रहे हैं। ना ना, चली चली, चलेगा चलेगा, करना पड़ेगा सीन। होगा ही होगा, होगा ही होगा, बनता है। अच्छा, मिल गया मुहूर्त शॉट, मिल गया, वाह कमाल, मुबारक हो, वाह मुबारक हो भाई, मुबारक मुबारक हो, लॉन्च हो गया, मुबारक हो आपको सर, मुबारक हो आप सभी को, मुबारक कांग्रेचुलेशन। मेन एक्चुअली हमारे बच्चा जी इंटरेस्टेड है आदमियों में। वाह, देख लिया भूरी, हमारा फिल्म तो बन गया, तुम लगाती रहो पैसे, लगाती रहो। पैसे तो नहीं, अब आपकी वाट जरूर लगेगी, अब सरप्राइज देगी दीदी आपको। अरे नहीं, आप अपनी बहन को मत बोलो, नहीं बहन दीदी सर, बुला रही हम चलते हैं अभी, बहन को मत बोलो, मैंने थोड़ा संभालना पड़ेगा, फैमिली मैटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात किया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चले, अरे सुनो तो, अरे सुनो, बात को सुनो। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था। हाँ, तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा, तो मैं गया ऐसे ही, ये पैंट ऐसा ही पहना था, जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले, मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत। बोले नहीं, वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है। अरे इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब नहीं, जिसका दिल से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा, सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए। अच्छा, बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा, चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया, आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा निरहुआ, जब पिछली बार आए थे मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था जी, कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। प्लीज दिखाइए जरा। रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे, पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं है आप। अच्छा, मैया प्रणाम, मैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूं, तो मैं इनका भैया। इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ, तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते।
तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले तो ये मैं बोला ये क्या बेटा कहाँ जा रहा तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए नहीं तो हम रहते ये बोल पाते अरे पवन जी आपका भी जिक्र हुआ था भले आप पहली बार आए हैं लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है मैं वो भी आपको सुनाता हूँ इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं अच्छा पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं अच्छा खेसारी जी गए अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं अच्छा तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना ऐसने होटल हमें को बनावा था नहीं लेकिन पानी के बीच में अच्छा और कट टू वहां से पवन जी उठ गए अब एक शब्द बोला ना खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रह लो कपिल भैया सबसे कमाल ये है ऐसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं पर कभी कभी ये फोन करते हैं और फोन करेंगे हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए भैया ए यार हम पागल हो जाए का बोलता अच्छा फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या अच्छा मेरा आप तीनों अभिनेत्रियों से एक सवाल है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा भोजपुरी फिल्मों में ना लाउड रिएक्शन बड़ा दे देते हैं एक्शन भी लाउड रिएक्शन भी लाउड वो क्या है मतलब आप मन से करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव रहता है काजल जी ने अभी अभी बताया कि 20 दिन 25 दिन में पिक्चर करना होता है तो उसमें क्या होता है ना बहुत कम समय में इतना सारा करना होता है ना हमको कि लगता है रीटेक ना हो जाए तो ऐसे पलटना है तो ऐसे नहीं पलटते एक ही बार में ऐसे पलटते हैं कि एक ही बार में ओके हो जाए फिर ना करना पड़े फटाफट कंप्लीट करना है हमको अच्छा हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं किन किन को लगता है कि वो ओवर एक्टिंग कर सकते हैं देखो ओवर एक्टिंग के लिए हाथ खड़े हो गए एक दो तीन और चार पांच मंच पे आइए क्या हाल है जी कैसे हैं आप हाय क्या हाल है जी हेलो हेलो हाय हाउ आर यू क्या हाल है सर आइए आप इस तरफ आ जाइए सब लोग आप सीधा अदालत से ही आए लगता है तो सिचुएशन देंगे आपको हमारे निरहुआ भैया ओके और एक एक करके सबसे पहले कौन करेगा आपसे आप शुरुआत चलिए ठीक है क्या नाम है सर आपका भूषण शाह बहुत बहुत स्वागत है भूषण जी तो आपको सिचुएशन देंगे आपके लिए सिचुएशन ये देते हैं पवन भैया आप आइए आप इनको गोली मारेंगे और आप मरते हुए ये बताइएगा कि खजाना कहाँ रखा है और जायदाद किसके नाम करनी है वाह प्रॉप्स भी ये देखिए अरे वाह क्या बात बजट बजट देखिए आप जब से ये सलमान खान प्रोडक्शंस हुआ है चलिए रोल कैमरा रोलिंग और एक्शन चल निकल ले बेटा अरे 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 जायदाद कहाँ है अरे बेटे इधर आ इधर आ तू मेरे पास आके बैठ मेरे पास आ मेरे पास कुछ कुछ ही लम्हे बचे हैं तू मेरे पास आ जा गोली लगी शराब नहीं पी आपने खजाना कहाँ है खजाना अरे तू मुझे पूछ रहा था कब का पिताजी पैसे कहाँ है तो मैं आज जाते जाते बताता हूँ मेरे पैसे तेरे दादी के संदूक के नीचे जो रजाई रखी है उसके अंदर लपेट के रखी है और जायदाद सब पप्पू के पास मेरे प्रॉपर्टी के सारे पेपर पड़े हैं वो ले लेना और तुम्हारे नाम कर लेना और वो पप्पू को तो तुम जानते ही हो एक और गोली मारो यार खत्म पप्पू का नंबर मैं दे देता हूँ डबल नाइन अरे मार ना रे चल क्या बात है सर वाह 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 क्या ओवर एक्टिंग की आपने आइए मोहतरमा आई हैं आइए मैम माइक ले लीजिए आपका क्या नाम है साइली साइली यहाँ आ जाइए आइए तो सिचुएशन आपको निरहुआ जी देंगे
चलिए आपके लिए सिचुएशन ये है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लिया है और आपको ये बताना है कि आपके 3 बॉयफ्रेंड और हैं जिसके बारे में उसको नहीं पता है। कपिल जी, जो बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है ना, वो बॉयफ्रेंड आप बनो। आपको करना है। प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं इनके साथ पकड़ा गया। हाँ। है? काजल। हाँ जी। ओके। इस सीन को आप डायरेक्ट करेंगे। हम डायरेक्ट करते हैं। जी। रोल कैमरा। हम लोग पकड़े गए क्या? हाँ, पकड़े जाइए आप लोग। पर किस अवस्था में पकड़ेंगे क्या बताएं? रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। ये कौन है? लड़की। मैं भी और ती भी। तो? अच्छा हुआ। शादी से पहले तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था ना? किया तो था परसों। ये क्या चल रहा है सब? मोहब्बत। और मैं? तुम भी मोहब्बत। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे भी प्यार करता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? उन दोनों से भी करता हूँ। लेकिन मेरी और इनकी बात अलग है। तभी तो बोल रहा हूँ, अलग अलग प्यार करता हूँ। अरे तुम भी अपना बताओ। जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। ओके। ये लो तुम्हारा स्टुपिड ड्रिंक। मैंने भी कोई पहले स्पुक नहीं किया था। ओके, थैंक यू, थैंक गॉड। हाँ, तो भाई नहीं करनी, वैसे ही बोलना है। तुम्हें क्या लगा? धोखे सिर्फ लड़के ही दे सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। जी। मैं भी तुम्हें धोखा ही दे रही हूँ। कब दोगी धोखा? तुम्हारे साथ ना, तुम्हारे साथ तो ये अकेली है। मेरे पास ना तेरे अलावा 3 बॉयफ्रेंड है। वाह। 3 बॉयफ्रेंड। काजल सच करो, सच करो। बहुत अंदर भरा था लेकिन लड़की के क्या बात है। शाबाश। अभी तो ओवर एक्टिंग में कपिल तू जीता इसमें। आइए आप बैठिए अमरपाल जी। जी, अब आपकी बारी है। आपका क्या नाम है? नीतीश राज। नीतीश जी कहाँ से आए आप? बिहार से। नीतीश जी बिहार से। यस। वाह, लालू जी को भी ले आते। सिचुएशन आपको निरहुआ जी देंगे। आपकी सिचुएशन ये है कि आपको बहुत जोर से सुसु आई। क्यों, ऐसे क्यों आती नहीं है? तो वही तो सिचुएशन दे रहा। आपको सुसु भी जाना है और फाइट भी करनी है। बस गया बेटा। तो आप करके दिखाइए कि आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपको जाना है, बहुत जोर से आइए। हाँ, को एक्टर आपको शाह साहब दे देते हैं। हाँ। ये शो शाह साहब, आप आइए, आ जाइए। आप इनके साथ फाइट सीन है। कौन एक्शन बोलेगा? पवन जी। रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। ये क्या, लड़ाई खत्म होगी कि निकल गया? निकल गया। अच्छा, ओवर एक्टिंग में फिर आप जीत गए। आपको फर्स्ट प्राइज। वाह नितेश जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए। वाह क्या बात। ये आपने जैकेट सच्ची में पहना है कि सूखने के लिए डाला है? आइए जी। सर आपका नाम क्या है? नमन सिंह। आप जीवन में बहुत ही हैरान परेशान है। बहुत ही दुखी है आप। अभी नहीं, अभी तो शुरू होना है। अभी नहीं, अभी इतनी ओवर एक्टिंग नहीं। अच्छा, अभी एक्शन आएगा, एक्शन आएगा अभी। और आप एकदम हालात के मारे हुए और आप एकदम परेशान जा रहे हैं, जा रहे जा रहे, रास्ते में अचानक आपको 3 किलो प्याज मिल गया। प्याज, प्याज मिला है। अब आपका रिएक्शन कैसा होगा ये आपको करके दिखाना है। ये देखिए, सही में बजट बढ़ गया यार, प्याज भी आया यार। क्या बजट है। निधि जी, जी इस सीन को आप डायरेक्ट कीजिए। जी, एक्शन।
अब परेशान है, एक्सीडेंट नहीं हुआ आपका? अच्छा निकलते हुए देखा ना, आगे जाके करी करी ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। अचानक दिख गया है। अरे ये तो प्याज लागे लू, लागे प्याज लागे लू। ये तो घर लेके जाने का है। अरे हाँ, अरे 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 समझ। तो लेके जा रहा हूँ। अरे रुक रे। और प्याज देख के आम आदमी का यही रिएक्शन आता है। क्या बात, क्या बात है भाई साहब। नमन सिंह जी प्याज ले जाइए आपके। हाँ जी भाई साहब, इतना कंपटीशन, आपको लगता है आप टिक पाएंगे? क्या नाम है आपका? मानिक। मानिक, मानिक कहाँ से? ओडिशा। ओडिशा से, ओके। बहुत बहुत स्वागत है मानिक आपका। सिचुएशन आपको देंगे भैया। मानिक जी, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अचानक आपके बॉस आए और उन्होंने कहा कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया। जी सर। कुछ प्रॉप्स इनके लिए लाइए। हाँ, मैं एक बॉस चुनना चाहता हूँ यहाँ पे। चुन लो, चुन लो, चुन लो। अरे Congratulations! बड़े colorful boss हैं। He selected you as his boss. वाह। Yeah. Oh my God. वाह। Wow. बोरे confident बड़े होते हैं ना? Boss, boss, you can sit there. So you are the boss and he's your employee and you just said him. Fire him. Get out. You have to fire him. You gotta fire him. अच्छा सवाल तो पैदा ये होता है, English company में job कैसे मिली पहले? ऐसे कौन जाता बॉस के आगे? What is this dancing? You think The Office is a Bollywood movie? वैशाली, मैंने क्या किया? You're fired. वैशाली, मैंने कुछ नहीं किया. You're fired. Get out. सर, मैंने कुछ नहीं किया सर. What? No reason. मेरा गलती है. I am the Donald Trump of Mumbai. सर, मैंने क्या गलती किया? सर, मैं हिंदुस्तानी है सर. सर, मेरा गलती क्या है? What is wrong with you? Go, 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 go. नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर. मैं, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज. Go, go. अरे जा रहा है? दुखी होके जाना. घर में गया तेरा नौकरी, ऐसा नौकरी मुझे नहीं मिलता है. अरे बहुत मिलता है ऐसा नौकरी, ऐसा नौकरी नहीं मिलता है. चल चल आगे चल, तेरे से चल बहुत देखा है. चल चल आगे चल, तुझे नौकरी में कहीं बुला रहे. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. Thank you. Aye. Well done. Good job. Kapil ji. Ji. अभी जब वो आके बैठे थे यहाँ पे. जी. हमारे जो foreigner भाई साहब थे. जी. तो हमको याद आया, हम लोग अभी अभी लंदन में शूटिंग कर रहे थे हमारी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी की. अच्छा जी. और वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे थे. और दिनेश जी कॉफी लेने गए कॉफी शॉप पे, और एक सेम उनकी तरह ही दिखने वाला एक आदमी वहां आया. और आते ही दिनेश जी को पूछता, ओह हाय. मैं डर गया जैसे उसने बोला ओह हाय. आई जस्ट सॉ यू अ फ्यू डेज बैक ऑन कपिल शर्मा शो. ओह. एंड वी वर लाइक कि आपको समझ में कैसे आया? वहां पर गोरे भी देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ और आपके पंचेस पे उतना ही हंसते, पता नहीं सबटाइटल में कैसे समझ लेते हैं और हंस हंस के पागल होते. क्या बात है. अच्छा आपके फैंस के कुछ सवाल हैं आपसे. यस और नो में आपको जवाब देना है, यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजे हैं जी. तो ये ले लीजिए और यस और नो में जवाब देना आपको. तो वैसे तो ये सबके लिए है, पर स्पेशली फॉर अवर बॉयज, क्या कभी रोमांटिक सीन में आपको रोमांटिक सीन करते करते मजा आ गया हो और आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं, आप भी और आप भी? नहीं. क्या बात है. काजल इज सेइंग यस. हाँ वो तो सही है.
तो पवन जी, ये जो आपने कार्य जो किया, यस बोला जो आपने, नहीं पवन जी को स्पेशली ज्यादा मजा आता है जब और हीरोइन अच्छा वाला ठुमका लगाती है, तब उन्हें ज्यादा मजा आता है। रहा हूं कि यस यस। तो कभी कभी आदमी काम करता है तो किसी के साथ काम करके अच्छा लगता है, राइट, तो आदमी बोलता है कि वन मोर। बड़ा ही आपने मासूमियत से जवाब दिया, आपको कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मेरा इसमें कोई से ही नहीं है, मुझे क्या पता ये लोग कब क्या फील कर रहे हैं। अपना नहीं, पता नहीं, ये सवाल आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जी मजा आ गया फिर, नहीं ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया ये लोग के साथ। अच्छा, कभी फैंस के साथ फ्लर्टिंग की है? आपका कोई फैन आया हो या आपकी कोई फैन आई हो, आपको अच्छा लगा हो तो आपने बोला हो धीरे से कि वाह कहाँ रहते हैं आप, और फिर निरहुआ भैया ईमानदार और स्वच्छ छवि के अभिनेता। पर अमरपाली तुमने यस क्यों रखा हुआ है? हाँ, हम लोग झारखंड में शूटिंग कर रहे थे और मेरी दिनेश जी की और रवि किशन जी की एक फिल्म चल रही थी और वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का एक आया, तो वो बहुत वेल बिहेव्ड लग रहा था। मैं आते ही देखी कि यार ऐसे भी लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग देखने, हाउ नाइस। और तब तक मैं आके बोला हाय आम्रपाली जी, आई एम योर बिग फैन। ओह थैंक यू, हाउ स्वीट। बस इससे ज्यादा मैंने फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन एक बार किया है तो बताना तो बनता है। ओके, मैं एक मूवी कर रहा था, उसमें काजल जी भी थी, आम्रपाली जी भी थी। अच्छा जी। एक गाना चल रहा था, अचानक एक लड़की आई और बोली और याद है? बोला पहचाने? याद है मुझे। अब मैं इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मैं बोला इनको बताओ मैं पवन सिंह नहीं निरहुआ हूँ। ये गलत हीरो सोच रही है मुझे। मैं बोला मैं नहीं मिला हूँ आपको कभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा भूल गए। अब मैं और डरने लगा, भाई क्या माजरा क्या है? अच्छा इन दोनों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, हम ऐसे देख रहे थे, ये लोग ऐसे देख रहे हैं, ये बनता तो बहुत सीधा है। अच्छा मैं बोला कि अब मामला बिगड़ा, मैं पूछा कि कहाँ मिली हो आप मेरे को, मैं कहाँ देखा हूँ आपको, मैं आपके साथ एक फोटो निकाली थी। चुलबुली नेचर की होगी वो। हाँ, थोड़ी थी वो। कभी होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भरी आपने? yes, सबने भरी है। अच्छा इन्होंने और इन्होंने नहीं भरी है। सौंफ नहीं खाते या होटल में नहीं जाते? होटल में जाता हूँ, सौंफ नहीं खाता हूँ। सीधा रूम में जाते हैं। अच्छा आप सब लोगों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, तो हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग सामने से पूछ लेते हैं। जी जी। तो पवन जी आपके बारे में सबसे पहले ये अफवाह है कि आप सनी देओल और अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि डांस में आपका भी हाथ टाइट ही है। तो ये अफवाह है कि सच है? मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि भोजपुरी में ठुमका लग गया। तो बात खत्म, ठुमका ही काफी है। चलिए तो निरहुआ जी, सुना है कि कुछ प्रोड्यूसर जो है यारी दोस्ती में आपसे फ्री में फिल्में करा लेते हैं, इसलिए आपने खुद ही अपने बारे में अफवाह उड़ा रखी कि जो भी फिल्म मैं फ्री में करता हूँ वो फ्लॉप हो जाती है। अच्छा आइडिया। मुझे नहीं पता। आइडिया अच्छा है कि भैया कर तो दें, उड़ जाएगी, बाकी आप देख लो। हाँ, कर देंगे भैया पर चलेगी नहीं। काजल आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपके बारे में गूगल पे सबसे ज्यादा ये सर्च करते हैं कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल, इज इट ट्रू? हाँ करते हैं, और मेरे ज्यादातर मैं मैसेजेस रीड करती हूँ तो उसमें ज्यादातर यही कमेंट होते हैं, मैम आप मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये वो सब बहुत सारा। तो आप करती हैं रिप्लाई उनको? कभी कभार कर देती हूँ, मर ना जाए कहीं। वाओ। अमरपाली आपके बारे में ये अफवाह कि आप अपने को स्टार्स की रोटियां गिनते हैं, आप उनकी रोटियां गिनती हैं कि वो कितनी रोटियां खा रहे हैं, ये सच है? हाँ मतलब कि
मैं बोलती हूँ कि थोड़ा chew your food 32 times, मतलब एक कौर को 32 बार चबाओ, एक रोटी आधे कौर में आप निकल लेते हैं ऐसे, मतलब मैं उनकी हेल्थ का ध्यान देती हूँ कि डाइजेशन वाइजेशन अच्छा। So nice of you, so sweet. सर इनको कौन बताए? हाँ वो देखा है। इंजन जिस स्पीड में एक बार बांध दिया गया है उसको कैसे कंट्रोल करें? हाँ। अब हम लोग बचपन में सुबह हमको उठाया गया और उठा के ये नहीं बोला जाता है कि तुम ब्रश करो, नहाओ धो तैयार हो, उठते ही सब कर भैंस गए तू अभी सुतले हुए, उठ 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 उठ, ओके ओके ओके, पता चला सब लेके निकल गए अपना अपना भैंस, अब हमको तुरंत रेडी होके भागना है, राइट? तो जो मिला फटाफट खा के भागेंगे कि अब हम लोग 32 बार चबाने का टाइम है। पवन आपके बारे में एक अफवाह है कि हवाई जहाज में बैठने से आपको डर लगता है इसलिए आप एयर होस्टेस को अपने पास ही बिठा लेते हैं। इसके लिए सीरियसली इनको डर लगता है? बहुत डरते हैं फ्लाइट से। मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया बट। क्यों आपको फील होता है, क्या फील होता है उस समय जब आप फ्लाइट में बैठते हैं? जब तक हम टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, इनका विंडो के पास ही नजर होता है। अच्छा। कि जब तक टेक ऑफ नहीं है उनकी नजर वही है, कोई हिला नहीं सकता। कहीं तो 3-4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा कि मैं मरूं तो ये भी मरे। निधि आपके बारे में ये फायदा है कि आप इतनी संस्कारी हैं कि अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताती हैं। बहुत सच है ये बात। हाँ ये एक्चुअली हमेशा से है मेरा, और हालांकि मैं बहुत फ्रैंक इंसान हूँ, मैं सबसे घुल मिल के रहती हूँ, बट ये है कि जब भी कोई पसंद आएगा तो मॉम डैड को मैं बताती हूँ। अभी तक आया कोई? नहीं अभी तक तो नहीं, बट इन फ्यूचर लेट्स सी। तो बता देंगे आप मम्मी पापा को? बिल्कुल। वेरी गुड, अच्छा अच्छी बात है। पवन जी आपके बारे में ये फाया कि आप बचपन से राजा बनना चाहते थे इसीलिए आपने पढ़ाई भी महाराजा कॉलेज से की और फिल्मों में आपका नाम भी राजा ही होता है ज्यादातर। जीवन में तो राजा बनना सब कुछ चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा अपने मूड में आदमी काम करता है। अच्छा आपकी खासियत आपका पता नहीं चलता कि बात खत्म हो गई कि आगे और है ना? काजल एक अफवाह ये कि आपको शूज सैंडल पहनना पसंद नहीं इसलिए आप अक्सर नंगे पैर शूट करती हैं, इज इट ट्रू? हाँ मैं ज्यादा बहुत नंगे पैर शूट करना पड़ता है बिकॉज हाइट का भी इशू होता है। होता यूँ है कि जो भी डिजाइनर्स होते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि मैम आप सारे हर चीज कर लो मुझे चलेगा, लेकिन आप शूज मेरे ऊपर रख दो, मैं अपने खुद ट्रायल करूंगी और खुद लेके आऊंगे, बट कोई सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद कभी जेंट्स का शूज ला देगा, कभी बच्चों वाला टाइप का छोटा शूज ला देगा, तो ये सारी चीजें होती है। तो मैं ज्यादातर फिर नंगे पैर ही शूट करना पड़ता है या फिर मेरे स्लीपर्स होते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, मैं नहीं पहनूंगी, जाओ जब बोल रही हो तुमको तो फिर क्यों नहीं करते तुम लोग। अच्छा आप कोई भी टॉपिक पे कितनी देर तक बोल सकती हैं? आप कितनी देर सुनना चाहते हैं मुझे बताओ। हमारे शूट होती है ना तो लाइक दिनेश जी हैं तो हाइट का इश्यू होता है तो मतलब पाटला लाओ पाटला ला, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं मैम थोड़ा सा हाइट कम करो। कैसे हाइट कम करो? पैर फैलाते हैं सर। तो पैर फैला देते हैं या फिर नीचे, फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है या फिर कोई हीरो का सीन होता है ना लाइक जैसे होता है ना तो हाइट कम करनी होती है। हमसे लंबे लगा लंबे तो होता है ना, जैसे कोई रोमांस होता है रोमांटिक सीन होता है तो यहाँ पे गले लगना ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा हो जाता है मैं यहाँ लग जाती हूँ। पर कभी कभी आपकी हंसी नहीं निकलती कि एक तो सीरियस सीन चल रहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती और खड़ी ऐसे हूँ। सुबह हीरोइन अपने बाबूजी को मना रही है, बाबूजी मैं प्यार करूंगी तो इससे शादी करूंगी, इतने इतने फ्रेम आ रहे नीचे की तरफ से। अर्चना जी तो संजय दत्त के साथ भी सीन करती ना तो अर्चना जी को ऐसे करना पड़ता है। ये बैठिए। कैसे? मैं सच्ची बोलती आज स्टार लोग नहीं दोस्त लोग आए ले सब हमारे नाला से पर कैसे नाला से पर निरहुआ अद्दा लोगे के पौवा हमारे पवन सिंह इनको देखकर दिल बोले डिंग डोंग डिंग बुड्ढों में भी आए जवानी जब वो देखे काजल राघवानी अमर पाली के लिए ठोको ताली निधि जा आपका कुछ बनाया नहीं हमें
नहीं बन रहे पीछे, जैसे पकेगा ना गैस पे मैं आपको सुनाई देगी। अरे बैठो ना, बैठो। ये हमारे भोजपुरी के अजय देवगन है, जोरदार ताली। इसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग। देखा, जापान ऐसी कंट्री है जिधर पानी में भी ट्रेन चलती है। वो लोग हमारा रिक्शा वाला देखने के लिए आए, ले कितनी बड़ी बात। वो बोलते हाय हाउ आर यू, मैं पहली बार देखी शेव किया हुआ सेंटा क्लॉज। यू सायोनारा मी नाला सोपारा। यू नो दिस भोजपुरी पीपल बिग फैन जापान। ये लोग रोज जापान का नाम लेते हैं, सच्ची में सुबह उठते जापान लेके आ, जापान लेके आ, जापान लेके। आपने इनको पहचाना कि नहीं? अरे वही लोग हैं जिनकी फिल्में आप म्यूट करके देखते हो। गलत मत समझो इनको, जापानीज नहीं आती ना, उसकी बात कर रही है मैं। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? ये लोग रे कप्पू, हाय हाउ यू। वो वो रिंकिया के पापा नहीं आए? हाँ वो तो दिल्ली में बैठ के ही कर रहे रहेंगे ना। वो भी नहीं आए रवि किशन, उनका भी अच्छा है, जिधर भी जाते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। कैसे हो बाबू? बाबू ऐसा करते हो। मेरे को मालूम है वो सबको बाबू बाबू क्यों बोलते हैं। क्यों? उनको ना डर लगा रहता है कि भीड़ से निकल के उनको कोई डैडी डैडी ना बोल दे। नहीं बहुत रोमांटिक है ना। तुझे बड़ा नॉलेज है इनके बारे में। मेरे को तो सब जानती है, ये सपना पहले भोजपुरी में एक हकीकत थी। अरे तेरे भाई ने तो फिल्में की है ना काफी उधर। अरे बहुत, कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए। 32 फिल्में, कोई छोटी बात रहती है? बैक टू बैक फ्लॉप। नहीं नहीं, एक भी उसने भाई ने पिक्चर किया था ना, इसको क्लियर करो नहीं तो टीवी पे जाते इसका सब सुनते हैं लोग। चॉकलेट दे दिया तो प्रॉब्लम है, हम लोग का बहुत पुराना यार है कि नहीं? रात दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। कैसे आप? वेरी ना, बहुत अच्छे लग रहे, मन कर रहे धनिया की चटनी बना दो। I know this. भूल गए याद नहीं, नहीं, मैं आपका ये देखा था ना। क्या देखा था? धनिया। अरे ये धनिया कलर, ये क्या क्या बोलते रहे। माय गॉड। अरे आपका ये धनिया कलर मैंने देखा था ना। अच्छा अच्छा, तभी मैचिंग मैचिंग। अच्छा फिर भी पहचाने नहीं मेरे को? पहचाना ना? नहीं कुछ नहीं, नहीं पहचाने मेरे को, हाय भी नहीं बोले। बगल में अमर पाली तो भूल गई है कच्ची डाली। कैसे बाकी? मेरे को ना दादर छोड़ दो ना। वो क्यों छोड़ेंगे? अरे वो नीरव रिक्शा वाले रे। मैं लेकिन सच्ची बोलती, दिल से एक बात बोलती है। ये तो चलो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, लोग स्टार लोग आते हैं, सब लोग दोस्त लोग हैं। रिक्शा चला चला के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं रहती। जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी के लिए। देखो सच्ची में उन्होंने पहुँचाया कि नहीं। और ऐसा नहीं, जो इधर नहीं भी रहते हम उनकी तारीफ करते हैं। करते हाँ, आप टेंशन मत लो, सिद्धू जी आएंगे हम आपकी भी तारीफ करेंगे। करेंगे। बैठिए। अरे माँ। हाय। कह रहा नीरव जी, जी। मेरा एक भेल वाला दोस्त है। हाँ। भेल वाला। वो आपके साथ पिक्चर बनाना चाहते हैं। भेल बनाने वाला फिल्म बना रहा है। हाँ नहीं, पहले वो प्रोड्यूसर था। हाँ। तो 3-4 भोजपुरी बनाई ना, उसके बाद भेली बेच रहे हैं वो। ई अमर पाली। हाँ मैं बिल्ली पाली। सच्ची में? मेरे को स्टेशन पे मिली छोटी, मैं घर लेके गई। हाय बिल्ली पाली। ए सपना क्या कर रही है? इनका गाना नहीं सुना क्या? इनका चुम्मा में विटामिन रहते हैं तो थोड़ा सा ऐसा विटामिन ले रही थी। नहीं सच्ची में, मैं ना कल डेट पे गई थी ना तो मेरा थोड़ा विटामिन इधर उधर हो गया, तो
काजल राघवानी, कैसे इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं सच्ची बताऊं, काजल जो रहता है ना वो आंखों में बसे रहते हैं। मतलब काजल जो रहता है ना वो आंखों में अच्छा लगता है। इतनी अच्छी बात बोली, ताली भी नहीं बजाए लोग। तुम लोग का ऐसे ही रहता है, यही बात मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के मुंह में पान खा के बोलती तो गुलजार साहब समझ के ताली बजाते हैं लोग मेरे। इन लोग का यही प्रॉब्लम है। आप गुजरात से है ना जी, और भोजपुरी पिक्चर करते हैं। हाँ जी। आपको गुजरात का भी नाम रोशन करना चाहिए। हाँ, आपने टाइटल अलग टाइप के रखो तो पिक्चर चलेगी। कैसे? जैसे भौजी का लफड़ा और फूफा का फाफड़ा। फूफा का फाफड़ा एक टाइटल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या? तोहार लिट्टी हमार ढोकला। मेरे को बहुत अच्छा लगे। आधा बिहार आधा गुजरात। पवन जी आप ही इनको लेके फिल्म बनाओ ना एक, मौसम हुआ सर्द औरत के अंदर मर्द। खैर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट लिखी है। सब्जेक्ट? हाँ अलग अलग। पवन जी आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर है, मिलेंगे हम दोबारा नाभी में नाला सो पा रहा। आपके लिए भी अच्छा है जी, करके टॉयलेट निरहुआ बना पायलट। मैं फिल्में लिखने लगी, मसाज छोड़ दी तूने? अरे दिनेश अपना निरहुआ छोड़ सकता है, पवन अपना लालीपॉप छोड़ सकता है, सपना अपना मसाज कभी भी नहीं छोड़ सकता। आई हैव ब्यूटी पार्लर इधर अमरपाली। yes. तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास लिट्टी चोखा मसाज है। वो क्या है? उसमें क्या? इसमें क्या करते, कस्टमर को लिटाते हम लोग और उस पर तेल की जगह हम लोग चोखा लगाते और इतना प्रेशर से मसाज करते है कि कस्टमर का लिट्टी भर आ जाता है। फिर हमारे पास एक है भौकाल मसाज। अच्छा। इसमें क्या? इसमें क्या रहता है, कस्टमर रहते हैं। हाँ। हम उसको बोलते हैं देख हम तेरे को ऐसा क्रीम लगाएंगे तो एकदम हैंडसम हो जाएगा। अच्छा। मस्त हैंडसम होएगा, तेरे को 10-10 पिक्चर मिलेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगा, बंबई में 10-10 फ्लैट खरीदे। अच्छा तो मसाज तो किया नहीं? मसाज नहीं करते, ऐसी बातें कर करके भौकाल बनाते हैं ऐसा रहता है। खैर मैं जाती है अभी, मेरे जाने का टाइम। क्यों? अरे बहुत अर्जेंट है, वो अपना रवि किशन है ना। हाँ। वो अपना झंडवा भूल गए इधर। मैं एक मिनट का टाइम लूंगा। हाँ जी हाँ जी। मैं आपके लिए कुछ गाना चाहता हूँ। अच्छा अरे जरूर। क्या बात, वाह। लव यू मैन। एक बार हमारे स्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए कपिल जी। नहीं एक एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। जी निधि ये इधर आइए। जी ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील। ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील। आपने शादी क्यों की? फिर भी आई लव यू कपिल। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी निरहुआ भैया जब भी मुलाकात होती है हमेशा मजा ही आता है और आप पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि, थैंक यू अमरपाली, ऑल द बेस्ट आपको आपकी तमाम आने वाली फिल्मों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं। आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.